नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम आपको बताते हैं, आज महादेव जी मंदिर जाने वाले रास्ते पर तिराहे पर एक पुरानी दुकान आई हुई है जो 50-60 साल पुरानी है। वहां पर दो पक्षों का विवाद चल रहा था। यह मामला कई बार कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने खारिज भी किया और कहीं चल रहा है, पूरी स्थिति समझ नहीं पाए लोग। लेकिन आज उस विवाद के चलते एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार की अनुमति के बिना वहाँ पर गेट लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। जब प्रथम पक्षकार को पता चला कि मेरी जमीन और उसके पास में वो गेट लगाया जा रहा है, तो उन्होंने पंचायत में शिकायत की। पंचायत ने अपनी कार्रवाई करते हुए उस गेट मालिक को सूचित किया कि आप कार्रवाई रोकें और हम समझाइश से कुछ इसका बहाल निकालेंगे। समझाइश के दौर भी चले, बैठकर बात करने की बात हुई, आपसी समझाइश से हुई। वहाँ पर कई समाज बंधु और गांव वाले भी जमा हुए, लेकिन किसी भी तरह से मामला सेट होते हुए नज़र नहीं आया। दोनों पक्षों अपने अपनी जगह पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि ये मेरा है, वो उसने कहा कि ये मेरा है। इस मामले में हमारे ब्यूरो चीफ ने सभी पक्षकारों से बात की, प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार और पंचायत बॉडी जिसमें सरपंच, उप सरपंच शामिल हैं। आइए बात करते हैं क्या कहा उन्होंने। परम सिंह जी, आप बताएंगे क्या मामला है? मैं तो दोनों पार्टी को आपस में समझाना चाहता था कि कोई भी विवाद है तो NOC लेके काम करो, बराबर ना। तो मैं इनको बोला था कि मेरे को जो भी समस्या है आपस में पार्टी बात करके काम चालू करो। बस हम तो यही चाहते हैं। ये तो बोलते हैं कि पंचायत के पास एक्ट क्या है, अब मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, जो भी लीगल है वो कार्रवाई करके बाद में जो भी हम जवाब देंगे इसका। हमारे साथ में उप सरपंच देव सिंह। क्या देव सिंह जी, बताएं क्या मामला है? मामला ये दीवार इनकी है, सामने वाली पार्टी की, बराबर है। उसमें 4 इंच पे ये समझ नहीं रहे, बराबर है। ये बोले कि मैं जो कोर्ट ने किया और मैं पंचायत को वक्त में रखते इनके सामने बोल रहे हैं, ये ऐसे बोले तो पंचायत तो है, पंचायत ही है ना भाई। सर्वे सर्वे जो दूसरी पार्टी है उसने आपको शिकायत की, इसलिए आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? है दोनों का, हम तो दोनों को वो समझाइश कर रहे हैं, बराबर है। आपस में समझौता सही हो जाए तो ठीक है, यूं बाकी ये तो जो चैलेंज पंचायत के द्विपक्ष है, दूसरा पक्ष वाले प्रवीण भाई। प्रवीण भाई मामला बताएं क्या मामला है? ये दीवार मेरी अलग से है और ये इनमें गलत तरीके से अपना हिस्सा मांग रहे हैं और थोड़ा ना, इसलिए मैं इसका ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। प्रथम पक्षकार रसिक भाई गुड़ारी, रसिक भाई बताएं क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, कोर्ट ने उससे सर्वे कराया हुआ है, आपकी कोर्ट ने सर्वे करवाया हुआ है और उसके हिसाब से मैं अपने जगह पे दरवाजा लोखंड का चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ गंदगी होती है, कैसे करने जाते हैं, टट्टी करने जाते हैं और सभी लोग इस तरह से जाते हैं, इसलिए मैं इसका इसके ऊपर गेट चढ़ाना चाहता था। गेट चढ़ाने के लिए कोई भी पंचायत के निर्माण कार्य नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पंचायत का कहना है कि हमने उसको गेट के लिए निर्माण कार्य के NOC के लिए नहीं कहा, हमने कहा कि पड़ोसी का ऑब्जेक्शन है। पड़ोसी का मतलब मकान नहीं, उसका जो सामला दीवार, उसके नजदीक में दीवार है, उसका ऑब्जेक्शन टच नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, दीवार को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहा हूँ। सरपंच साहब अपने आप अपनी तरफ से कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या, दूसरा जो द्विपक्षीय है उसने बताया कि मेरा तो दीवार है, उसको तोड़ा गया और खड्डा खोदा गया। नहीं, तो मुंबई साहब तो उन्होंने तोड़ दिया, पक्षकार इसके मिले हुए सब, ये लोग उन्होंने कहा कि ये सब मिले हुए और सरपंच साहब अपने अधिकारों से ऊपर में होके अपने अधिकारों का ताना सही से इसका उपयोग कर। आपके दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर वो 4.5 इंच छोड़े और मैं भी छोड़ने को तैयार हूँ तो फिर इस मामले में आपका क्या कहना है? मैं तैयार हूँ, मैं झगड़ना नहीं चाहता हूँ, कानून को पालना चाहता हूँ। सरपंच साहब ऊपरावर्ती कर रहे हैं, ये समझौता करना नहीं, हमने सब पक्ष लेना है। हमने सब पंचायत बॉडी और इनसे बात की तो बोला रसिक भाई कोठारी थोड़ा बोलने में, थोड़ा मैं सुनने पर जा रहा हूँ, बीच में साजन नवीन इनके दीवार बने तो मैं समझता हूँ, मैं तकलीफ का है।